दोस्तों मेरा इन सब इतनी बड़ी खबर ये आ रही है कि अब देख सकते हैं आप हम लोगों ने फोन लगाया था सरकार का, ये देखिए खट्टर का बोलते हैं लोग में चल रहा है। और जब से एसपी चेंज हुए हैं तब से बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ये देखिए कई कई बोलते और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जिन लोगों के हथियाने गिराए जा रहे हैं, ढहाए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, ये लोग पत्थरबाजी में शामिल थे 31 तारीख को। इसके पहले आपने देखा होगा कि तमाम रोहिंग्याओं की बस्ती पर बुलडोजर चल गया, अब उन लोगों पर चलाए जा रहे हैं जो पत्थरबाजी में शामिल थे। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में 31 तारीख को पत्थरबाजी हुई थी, लगभग 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये देखें जैसे योगी का बुलडोजर वैसे खट्टर का बुलडोजर, पड़ोसी राज्य है दोनों। और आपको फिर बता दें कि हरियाणा में सैकड़ों ऐसी वारदातें हो चुकी है, लेकिन यूपी में मात्र एक दंगा हुआ कुछ वर्षों में, जिसके बाद अब बुलडोजर पहुँच गया है ताकि पत्थरबाज हो गया है आगे कई पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए कैसे गिराया जा रहा है, कैसे चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था जो वैसे रूप से रह रहे थे उनका अभियान उठाया है। अब देखें तब जाकर जान बची थी, नहीं तो 3-4-5 पुलिसकर्मी जो थे स्टाफ में उनकी जान को खतरा था। और हरियाणा सरकार इसे बड़ी साजिश बता रही है। सीएम मनोहर लाल, गृहमंत्री अनिल विज, हाल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल पूजा ने इसे साजिश बताया था, जो फरीदाबाद के सांसद भी हैं। देखे कहते कई कई लोग लगे पड़े हैं और उन के लोगों को सब वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, जो कहना है कि यह पुलिस बहुत सख्त है और कोई अफवाह वगैरह ना फैलाएं। 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 70-80 से ज़्यादा FIR दर्ज हो गई है। और लोगों की आशा भी यही थी कि सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, योगी जैसी कार्रवाई करेगी, और अब वही कार्रवाई उसी तरह कार्रवाई हो रही है। लोग कह रहे थे जैसे योगी जी का बुलडोजर घूमता है यूपी में, वैसे खट्टर साहब का बुलडोजर भी हरियाणा में घूमना चाहिए। अब खट्टर साहब का बुलडोजर घूमने लगा है, देख सकते हैं। जय बाबा की। नू जिले में एक्शन मोड में है सरकार, लालो के लाल मनोहर लाल, हरियाणा सबसे भूपेंद्र सिंह राज। ये वो बिल्डिंग चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है जहाँ से निरंतर पत्थरबाजी हुई थी।